ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, अगर सही अप्रोच मालूम है तो अगेन आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से विद इन 2 मिनट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी आर 32 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। तो सेक्शन ए में एवरेज मार्क्स हैं 32, सेक्शन बी में एवरेज मार्क्स हैं 60। The number of students in section A is 10 less than that in section B. Suppose यहाँ पर x students हैं, तो यहाँ number of students क्या हो जाएंगे? x plus 10. If the average marks of all the students across both the sections combined is an integer, ये जो value है, let us say इसको हमने अभी लिख दिया है for a timing m. m एक integer है, x भी definitely एक natural number होगा because number of students negative नहीं हो सकते हैं. If the average marks एक integer है, then the difference between the maximum and minimum possible number of students in section A, A का maximum और minimum number of students हमें चाहिए। दो तरीके हैं इस question को solve करने के, थोड़ा सा logic पर और दूसरा systematic तरीका। पहले हम logic पर focus करेंगे। Now एक चीज यहाँ ध्यान रखें, number students यहाँ पर कम हैं और number students यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो जब भी आप average लेंगे, हमारी जो value होगी, वो इन दोनों values की मिडिल वैल्यू से टूवर्ड्स 60 मूव करेगी। अगर ये 1:1 के रेशियो में लेते तो हमारी जो एवरेज आता वो इन दोनों का एवरेज दैट इज 92/2 46 होता। बट क्योंकि यहां नंबर स्टूडेंट ज्यादा हैं, हमारा जो एवरेज होगा वो 46 से हायर नंबर होगा। लेट अस से क्योंकि ये खुद एक इंटीजर है, हमने इसे 47 ले लिया। अगर ऐसा किया, एलिगेशन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका डिफरेंस लेके अपोजिट साइड लिख देते हैं, ये हो गया 13 और ये हो गया 15। नाउ यहां पर इन दोनों का डिफरेंस है 10। अगर हम इन दो वैल्यूज पे नजर डालें तो ये डिफरेंस 2 है। अगर डिफरेंस 2 है तो यहां पर 13 स्टूडेंट्स हैं। अगर डिफरेंस 10 हो जाए यानी 5 टाइम्स, तो यहां पर 65 स्टूडेंट्स 5 टाइम्स और यहां पर 75 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो x की जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आ गई है, 65। अब हम फोकस करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू पे। नाउ यहां पर जो ये m हमने लिया था उसकी वैल्यू हम 60 तो ले नहीं सकते, क्या हम इस वैल्यू को 59 ले सकते हैं? 59 लेने पर ये डिफरेंस 1 और ये डिफरेंस 27, बट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 26। हमें नंबर ऐसा चाहिए जो 10 से या तो डिवाइड हो रहा हो या 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हम यहां पर नहीं लेंगे। अगर हम इस 59 को 58 कर दें तो ये डिफरेंस हो जाएगा 2 और ये डिफरेंस 26। अगेन इनका डिफरेंस 24 है, ना तो ये 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना ये 10 को डिवाइड करता है, इस वैल्यू को भी हम इग्नोर कर दें। 57 लेने पर ये डिफरेंस 3 हो गया है और ये 25, अगेन ये डिफरेंस है 22 जो कि ना तो 10 से डिविजिबल है ना इसको डिवाइड कर रहा है। हम इन सारी वैल्यूज को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। क्या हम इसे 56 ले सकते हैं? 60 माइनस 56 करने पर 4 और ये 24, ये डिफरेंस 20 है। ना अगर ये डिफरेंस 20 है तो ये वैल्यू 4 है, अगर ये डिफरेंस 10 है यानी इसका हाफ, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी और ये वैल्यू 12 हो जाएगी। तो x की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 2। इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 63। इस क्वेश्चन को करने का जो सिस्टमेटिक तरीका होगा वो भी हम सीख लें। माना यहां पर ये जो एवरेज आया है वो m है और ये एक इंटीजर है। एलिगेशन में हम डिफरेंस लेते हैं हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इन दोनों में से 60 बड़ा है तो हम यहां लिखेंगे 60 माइनस m और यहां लिखेंगे m माइनस 32। ये जो वैल्यूज आई हैं यहां पर इनका रेशियो इक्वल होगा x अपॉन x प्लस 10 के। So we can just write down 60 minus m over m minus 32 is equal to x over x plus 10. Simplify करते हैं, 60x plus 600 minus mx minus 10m is equal to mx minus 32x. ये minus mx हम right side ले जाएं तो हो जाएगा 2mx, 60x को राइट साइड ले जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 92x।
This is equal to 600 minus 10m. 2 से सारे नंबर्स डिविजिबल हैं, तो यहां पर हम x कॉमन ले लें, 2 हमने कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, तो m minus 46 is equal to 300 minus 5m. ये m minus 46 हम डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं. Now, इस स्टेप के बाद हमेशा हमें ध्यान क्या रखना है कि हम कोशिश ये करें कि इसको ब्रेक कर दें सो दैट इसका एक बड़ा पार्ट जो है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करें. यहां 5m है, अगर हम इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5m माइनस 230. सो हम इसको लिख सकते हैं 230 माइनस 5m प्लस 70, और ये पूरा एक्सप्रेशन को हमें m माइनस 46 से डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे भी m माइनस 46 से डिवाइड कर दें और इसे भी m माइनस 46 से यहां पर हम डिवाइड कर दें. इसको m माइनस 46 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट माइनस 5, और यह है 70 अपॉन m माइनस 46. m की वो वैल्यूज लिखनी है जिससे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू आए वो 70 का एक फैक्टर आ जाए. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सबसे छोटा नंबर करेंगे जिससे हमारे पास x की लार्जेस्ट वैल्यू आ जाए. अगर हम इस m माइनस 46 को 1 कर सकें तो क्या होगा, जैसे ही हमने 1 पुट किया 70 अपॉन 1 इज 70, 70 माइनस 5 65 हमारे पास x की हाईएस्ट वैल्यू आ गई. लोएस्ट वैल्यू करने के लिए हम क्या करें, इसे एज लार्ज एज पॉसिबल करें. लेट अस से m माइनस 46 को हमने 70 कर दिया, पर उसमें एक दिक्कत होगी, जैसे ही हम 70 करेंगे 70 अपॉन 71, 1 माइनस 5 माइनस 4, नंबर स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते. 70 के से छोटा नंबर जो 70 का फैक्टर है वो है 35. अगर हम इसको 35 कर दें तो 70 अपॉन 35 2, बट 2 माइनस 5 अगेन क्या होगा, माइनस 3, ये भी अलाउ नहीं है. उससे छोटा फैक्टर अगर हम देखें यहां पर तो हम 14 कर सकते हैं. 14 अगर m माइनस 46 की वैल्यू कर दें तो 70 अपॉन 14 5 होगा, बट 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है. 14 से छोटा एक फैक्टर जो 70 का हो वो कौन है, 10. अगर हम n माइनस 46 को 10 करते हैं, नाउ 10 करते ही 70 अपॉन 10 क्या होगा, 7 माइनस 5 2, x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, और ये कब होगा, जब m माइनस 46 को हम 10 कर देंगे. दैट मींस अगर हम m की वैल्यू 47 ले लें तो x की हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, और m की वैल्यू 56 ले लें तो लोएस्ट वैल्यू आएगी. आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में हमारे जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज हैं वो सेम हैं, और इनका डिजायर्ड डिफरेंस कितना होगा, 63.